हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले कम्प्लीटली न्यू रीडिंग, और वो रीडिंग रहने वाली है डीएम की ओवरव्यू, जिसमें देखेंगे तीन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. सबसे पहले डीएम हमारे साथ हमसे क्या छुपा रहे हैं, दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक डीएम का कार्मिक के साथ क्या चल रहा है अगर कोई है तो, अगर पेरेंट्स भी है, फैमिली भी है, जो भी है वो, और डीएम का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला. इसमें थिंकिंग फीलिंग को नहीं घुसाएंगे गाइस, क्योंकि हमें थोड़ा सा अलग रीडिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को. ऑल्सो गाइस, अगर आप लोग रीडिंग, हीलिंग या जो कुछ भी लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आप लोग मेरा नंबर सेव करके रख लीजिए. जब मैं ओपन हूँ अर्जेंट रीडिंग्स के लिए, तो आप लोग की अर्जेंट रीडिंग होगी तो वो भी उसी समय हो जाएगी, है ना? क्योंकि मैं ऑल बुकिंग्स के लिए अपने स्टेटस पर डाल देती हूँ कि भाई ट्यूसडे से मैं रीडिंग्स, हीलिंग्स लेने वाली हूँ, तो ऐसा रहता है. तो फिर अगर आप लोगों को ज़रूरी है हीलिंग या रीडिंग कुछ लेना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हो और अपना बुक कर सकते हो. वो ओपन विंडो में दे देती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ तब. तो चलिए गाइस, देखते हैं कि सबसे पहले कि डीएम क्या छुपा रहे हैं आप लोगों से. जल्दी कार्ड्स उड़ के आ गए, दो मैं वही दो लूंगी. ठीक है गाइस, काफी ज्यादा कार्ड्स निकल कर आए, जितने भी आना चाहते थे. मैं डेक चेंज कर रही हूँ और अब हम नेक्स्ट डेक में जाने वाले हैं. डीएम का कार्मिक के साथ क्या चल रहा है? एक्चुअली अभी डीएम का कार्मिक उनके मॉम डैड हो सकते हैं, या उनके बहन भाई हो सकते हैं, या उनकी वाइफ हो सकती है. तो अगर मैं ऐसे करने वाली हूँ कि दो पाइल बनाने वाली हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा लंबा रीडिंग जाए तो कोई दिक्कत ना हो. तो सबसे पहले डीएम का क्या चल रहा है, मॉम डैड कार्मिक है, बहन भाई, बेस्ट फ्रेंड्स अगर कार्मिक है तो, मतलब डीएम की नहीं शादी हुई है तो कार्मिक्स के साथ क्या चल रहा है उनका. तो ये कुछ निकल गए कार्ड्स. और गाइस, डीएम की अगर शादी हुई है तो उनके कार्मिक्स के साथ, उनका मतलब वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ क्या चल रहा है. तो गाइस, ये मैं अलग अलग जगह पे रख दूंगी ताकि हम लोग देख ले. और अभी नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन. तो मैं सोच रही हूँ ये वाले डेक के साथ हम देखेंगे कि डीएम का नेक्स्ट एक्शन हमारे लिए क्या होने वाला है. ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इसमें टाइमलाइन अगर क्लैरिफिकेशन के लिए लगेगा तो मैं निकाल लूंगी. ठीक है गाइस, तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि डीएम क्या छुपा रहे हैं हमसे. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और बहुत ज्यादा क्लोजली एड्रेस करने की जरूरत हो सकती है इसको. डीएम ये छुपा रहे हैं कि उनको ऑलरेडी धोखा मिल चुका है. ठीक है, ये बहुत ज्यादा छुपा रहे हैं डीएम हमसे कि वो वॉक अवे करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है. वो हीलिंग में उनकी तबीयत खराब है, उनका दिमाग खराब हो रखा हुआ है, और बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है कि डीएम और कार्मिक के बीच क्या चल रहा है, और उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व्ड है और बहुत कुछ जो है. और वो हमको ऑफर भी आकर देना चाहते हैं स्टेबिलिटी का, ये भी छुपा रहे हैं. बहुत कुछ छुपा रहे हैं गाइस डीएम हमसे. वो शायद हमारे लिए अपने घर में बात भी कर चुके हैं, ये भी छुपा रहे हैं. पैसे नहीं है, ये भी छुपा रहे हैं. धोखा मिल चुका है. शायद डीएम और कार्मिक अलग अलग घर में भी रहते हैं अभी, ये भी छुपाया जा रहा है. बहुत कुछ छुपाया जा रहा है गाइस. अगर हम यहाँ पे बात करें बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज अगर मैं लूँ तो एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, मतलब उनको कोई भी प्यार करने के लिए या मिलने के लिए, बात करने के लिए नहीं है. एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, उनके लाइफ में कोई लव लाइफ है ही नहीं. ठीक है, तो ये डीएम हमसे छुपा रहे हैं. ठीक है, हो गया. अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे कि डीएम अगर सिंगल है तो, ठीक है, तो उनके कार्मिक्स के साथ क्या चल रहा है.
डीएम अगर सिंगल है तो वो अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने पर माँ बाप सुन ही नहीं रहे हैं, वो उनके पुरानी गलतियाँ पे लाइट मारे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं, उनको के दिमाग में बातें डाल रहे हैं कि देखो वो किसी और के साथ चली गई होगी, अब तक तुम उससे प्यार करते थे, तुमने उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, वो क्या कर रही है, वो तो खुश है, ऐसी सारी बातें जो है डीएम वो तुम्हारे से बात तक नहीं करना चाहती और बहुत कुछ, और तुम इधर बीमार मरे पड़े हो, उनके लिए तुमको बड़ा लगा था कि उसके साथ खुशी है, बड़ी खुश हो रहे थे, सब छोटी छोटी बातें मतलब ऐसे बोल रहे हैं, फिर उनको एक ऑफर भी दे रहे कि हमारे हिसाब से अपनी ज़िंदगी में चलो, खुश रहोगे, हम तुमको बेटर रास्ता दिखा देंगे और पता नहीं क्या क्या, मतलब डीएम कार्म के माँ बाप भाई बहन उनको गिरा करके मैनिपुलेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल डीएम अगर मैरिड है कार्मिक्स के साथ तो डीएम का क्या चल रहा है, ख़त्म, फिर से ख़त्म रिश्ता बताना चाह रहा है। अगर बच्चे भी हैं तो भी जस्टिस का कार्ड आया है उसके बाद में, एक तो बच्चा है उसके बाद में जस्टिस डिवोर्स, ठीक है गाइस, ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है यहाँ पे, माँ भी इन्वॉल्व्ड है, फैमिली भी इन्वॉल्व्ड है, चिट्ठियाँ मैसेजेस भेजने की कोशिश की जा रही है डीएफ्स को, लेकिन मैसेज भेजा नहीं जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अगर डीएम कार्मिक्स के साथ है तो कार्मिक्स का रोना धोना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और कार्मिक्स का कार्मिक साइकिल डीएम के साथ ख़त्म होने पे आ रहा था, कार्मिक साइकिल एंड, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, और डीएम अभी कार्मिक्स के मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी कहानी हमको देखने को यहाँ पर मिल रही है। ये जो दिखाती थी ना मैं बहुत शाय हूँ, एक बहुत अच्छा आता था यूट्यूब पे, अगर आप लोग ये देखते हो रील्स वील शॉर्ट्स वॉर्ट्स, ये बहुत ज़्यादा नहीं क्या अंग्रेज वाले अगर आप लोग देखते थे तो आपको पता चलेगा, एक आता था बहुत ज़्यादा आता था हर चौथे वीडियो के बाद, आई एम सो शाय, तो वो वाला जो है ना अगर आपको नहीं भी मिले तो ढूंढ के देखना, तो उसमें से जो कार्मिक्स होती है ना वो शादी के बाद दिखा दिया आई एम नॉट शाय वाला पार्ट, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब डीएफ स्टार्टिंग से ही ऐसी होती है कि भाई मेरे को जो चाहिए वो चाहिए, वो क्लियर है और ऑन द प्लेट है, बट कार्मिक्स ऐसे झूठे होते हैं तो उनकी असली रंगत बाद में दिखाई जाती है, और डीएम झूठों पे विश्वास भी कर लेते, बताओ। जहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं कि क्या एक्शन लेंगे डीएम डीएफ्स के लिए, क्योंकि हमने पूरी रामायण देख ली है अब, और डीए बहुत ज़्यादा वेट कर रही है, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, कॉर्ड कटिंग कर रही है कार्मिक्स के साथ, थोड़ा बहुत जल भी रही है कि डीएम कार्मिक्स के साथ अभी भी है, क्यों है, इतना जानने के बाद भी वो उसके साथ क्यों बैठा हुआ है, मेरे लिए यूनियन का दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ बता दूँ, डीएम को सारी क्लैरिटी मिल गई है और डीएम भी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डीएफ टोटली बैलेंस हो चुकी है, डीएम का नेक्स्ट एक्शन है खुद को बैलेंस करके डीएफ से आके मिलना, डीएम को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, तो जब डीएम को क्लैरिटी मिलेगी तब भी दोनों गाइज और डीएफ को क्लैरिटी देंगे, और टाइमलाइन के लिए आ रहा है 14 केयरिंग कनेक्शन, बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है गाइज रोमांटिक मौसम और बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग, तो ये एक्शन हो सकता है कि डीएम आपको आकर पीछे से, जब आप बिल्कुल भी ना एक्सपेक्ट करें, आपको आकर फूल वूल देकर अप्रोच करे और बहुत कुछ रोमांटिक जेस्चर्स दिखाए, डर मत जाना उस चीज़ से, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, पर डीएम का यही है कि अब ये बैठ बैठ के थक गई, अब इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है तो मैं जाकर पीछे से उसको सरप्राइज़ दे दूँ, ऐसे बहुत सारे मौके हैं डीएम ऐसा कर सकते हैं, सोचना भी मत कि डीएम ऐसा नहीं कर सकते, वो आएंगे नहीं, अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं आएंगे, वो दूर कहीं हॉराइजन में छुप के बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं गाइस और कुछ आता है चांद से हम लोगों के लिए, तो कुछ ही चांद आए हैं और मुझे आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है, टी आया है गाइस यहाँ पे और 10 भी सुनाई दे रहा है मेरे को, ये 10 मंथ्स हो सकता है, 10 वीक्स हो सकता है, 10 डेज हो सकता है जब आपके डीएम आपको कांटेक्ट करेंगे, और तेज़ आ रहा है, तो तेज़ ऑब्वियसली हिंदी में फास्ट होता है
और तेज एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, जल्दी जल्दी भी आ सकते हैं, ये भी दिख रहा है। क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिल रही है डीएम को, और हर गाने में उनको आपके लिए मैसेज मिल रहा है, और अभी वो इग्नोर नहीं कर रहे, मजे ले रहे हैं इस बात के। काम में उनका फोकस है, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एज अ पर्सन आपके डीएम बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। प्लीज ये मत सोचिए कि 4 साल बीत गए, मेरा डीएम अभी तक बिल्कुल नहीं सुधरा होगा, ये आपके काम नहीं है, आपका डीएम एनर्जी आपसे ऐसे सोचने को लगा रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके डीएम बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो, और जब आपके पास आए तो एक नए ही अंदाज से आए और आपको चौंका दे बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।